जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएच इन्वेस्टिंग न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और साथ के साथ जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके भी आंसर करने वाला हूं। साथियों, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बारे में। तो साथियों, जिसके लिए बच्चे सबसे ज्यादा परेशान है वो है उनका रिजल्ट, यानी कि ऑड सेमेस्टर के जो एग्जाम हुए थे, फरवरी में एग्जाम हुए थे और अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आ पाया है। बच्चे मेरे से भी नाराज है कि सर आप कह रहे थे कि इस वीक में आ जाएगा रिजल्ट, इस वीक में आ जाएगा। देखिए, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा जा रहा था, जो संकेत दिए जा रहे थे, वही मैं आपको बता रहा था, और अभी भी यही कहा जा रहा है। कल भी मेरी बात हुई है तो आपका कह रहा है कि रिजल्ट जो है आज जारी कर दिया जाएगा, लेकिन कल भी जारी नहीं हुआ था। आज उम्मीद है कि आज रिजल्ट जारी किया जा सकता है। जैसे ही रिजल्ट जारी किया जाएगा तो उसके बारे में मैं आपको अपडेट करूंगा इसी चैनल पर। उम्मीद है कि आज रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा कुछ कोर्सेज का, जिन जिन कोर्सेज का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा तो उसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। तो अब आपका काफी टाइम हो चुका है, जब आपने इतने टाइम वेट किया है तो एक से दो दिन और वेट कर लीजिए, जैसे ही रिजल्ट अपडेट होगा तो उसके लिए मैं आपको अपडेट करूंगा। अब आगे बात करते हैं, जो आज हमारी आज की अपडेट है, जो आज की न्यूज है, उसमें सबसे पहला है जो बच्चे बीपीएड, एमपीएड या एमएड या एलएलएम करना चाहते हैं तो उसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल करने की डेट थी वो पहले 10 जुलाई थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 20 जुलाई कर दिया गया है। यदि आप भी इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी के कैंपस में या कॉलेजों में, जो सीसीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेज है, तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल करना होता है, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। तो इसके लिए आप एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल कर दीजिएगा, 20 जुलाई तक इसकी डेट को बढ़ा दिया गया है। 20 जुलाई तक आप इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे आगे है, जो बच्चे एग्जाम देना है, जिन बच्चों को ऑनलाइन एलएलबी में, बीएलएलबी में और एलएलएम में, तो वो बच्चे अपनी मेल आईडी और अपना कॉन्टेक्ट नंबर, अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल जो है उसको एक बार चेक कर लें। यदि आपकी कॉन्टेक्ट आईडी यानी कि जो आपकी मेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, वो करेक्ट नहीं होगा तो फिर आप अपनी परीक्षा देने से वंचित रह सकते हैं। तो उसको अपडेट कर लीजिएगा, उसमें अपना मोबाइल नंबर, अपनी मेल आईडी जो आपकी है उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, यदि नहीं है तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। उसके लिए पोर्टल ओपन है, आप जो है, जो आपको यूजर आईडी पासवर्ड है उससे आप करेक्शन कर सकते हैं। अब इससे आगे बात करें, जो हमारे एलएलबी की जो मौखिक परीक्षा होनी है वो आपका 19 जुलाई को है। जो हमारी एलएलबी के और सेमेस्टर के एग्जाम हुए थे तो उसकी जो कुछ कॉलेजों की मौखिक परीक्षाएं नहीं हुई थी, तो वो आपकी 19 जुलाई को है, वो 19 जुलाई को आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।